बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप हमारी वीडियोस को एस्ट्रो तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आप हमारी वीडियोस एस्ट्रो तक के फेसबुक पेज पे जाके या एस्ट्रो तक की ऐप को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे सुनिधि मेहरा के नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता, यानी कि जो 14 नवंबर से 20 नवंबर का समय है, यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। इसमें टैरो कार्ड्स और आपकी डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल होगा। आपके मूलांक के अनुसार आपका हफ्ता बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 1, 10, 19 से 28 तारीख को होता है, आपके लिए यह हफ्ता क्या लेके आ रहा है। आपका कार्ड आया लवर्स। अब ये कहता है कि ये हफ्ते जो इस हफ्ते आपका काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप बन सकती है, आपकी प्यार मोहब्बत काफ़ी अच्छी रहेगी। आप जो भी काम करेंगे बहुत पैशन से करेंगे, बहुत पैशन आप में रहेगा काम करने के लिए, काफ़ी कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, आपके हक में होंगी। ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी शानदार लग रहा है। आपके लिए जो लकी डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 15 to 16 का जो समय है, 15 to 16 नवंबर का, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। काफ़ी नए काम आपके इस हफ्ते शुरू होते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं मूलांक दो की, जिनका जन्मदिन 2, 20, 11 या 29 को होता है किसी भी महीने के, आपके लिए ये हफ्ता क्या लेके आ रहा है। आपके लिए हफ्ता लेके आ रहा है काफ़ी जो आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, अब उसमें चेंजेस आने वाले हैं। 4 of Pentacles आया है जो कहता है कि जो आप वेट कर रहे थे अब वेट ख़त्म होने वाली है, क्योंकि उसके बाद आपका 8 of Wands आया है, तो वेट ख़त्म होगी, चीज़ें आपकी इस्टेब्लिश होंगी, जिन चीज़ों का बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। अगर कोई जॉब प्रपोजल का वेट कर रहे थे, प्रपोजल मिलेगा, तो ऐसा कोई प्लेजेंट चेंज आपके साथ होने वाला है। ऐसी कोई चीज़ जो बहुत देर से अटकी हुई थी वो आपकी इस हफ्ते होती हुई दिख रही है। आपके लिए लकी डेट मूलांक दो वालों रहने वाली है 20 नवंबर। रुके हुए काम आपके इस हफ्ते पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं मूलांक तीन की, जिनका जन्मदिन 3, 12, 21, 30 को होता है किसी भी महीने की, आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आपके लिए कार्ड द वर्ल्ड आया है जो कहता है कि बहुत ही शानदार आपका हफ्ता रहेगा। कोई बाहर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे, कोई बाहर से कोई वेट कर रहे थे न्यूज़ की, फॉरेन रिलेटेड काम करते हैं, तो एक्सेलेंट जाएगा। अब ये कार्ड ये भी कहता है कि आपका ये हफ्ता बहुत शानदार जाएगा, आपके काम पूरी तरह से होंगे, आपके हक में चीज़ें जाएंगी। अगर आप कुछ लेना चाहते थे, कुछ व्हीकल लेना चाहते थे, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके काम इस हफ्ते बनेंगे, लक आपका साथ दे रहा है, सक्सेस आपको इस हफ्ते मिलते हुए दिख रही है। मूलांक तीन वालों, आपके लिए लकी डेट जो रहने वाली है खासकर, वो रहने वाली है 18 नवंबर। अब बात करते हैं मूलांक चार की, जिनका जन्मदिन 4 को होता है, 4, 13, 31 या 22 को होता है किसी भी महीने की, आपके लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ। तो काफ़ी एफर्ट लगेगा आपका इस हफ्ते, यानी ज़रूर से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जितनी आप मेहनत करते थे उससे ज़्यादा मेहनत आपको इस हफ्ते करनी पड़ सकती है। हेल्थ भी आपकी थोड़ी सी ऊपर नीचे जाएगी, पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी हेल्थ भी सुधर सकती है। तो हफ्ते के बीच का जो समय होगा ये थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, मेहनत आपको ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ सकती है, पर अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके काम नहीं बनेंगे। बिना मेहनत के आपका ये हफ्ता इतना अच्छा नहीं जाएगा। तो एफर्ट लगेंगे, चीज़ें थोड़ी अटकेंगी फिर पूरी होंगी, थोड़ी रुकावटें आएंगी, बट आप अगर लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, तो आपका हफ्ता अच्छा जाएगा। काम आपके होंगे, रुकावटें आएंगी, बट रुकावटों को आप पार कर लेंगे। बेवजह की टेंशन भी हो सकती है, बट वो सब आप उससे पार पा लेंगे। आपके लिए जो मूलांक चार वालों लकी डेट रहने वाली है इस हफ्ते, वो है 17 नवंबर। अब बात करते हैं मूलांक पाँच की, जिनका जन्म 5 को 14 को होता है, 23 को होता है किसी भी महीने की, आपके लिए क्या आया है। 5 of Wands, टेंशन्स बेवजह की आपकी रह सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके लोगों के साथ इस हफ्ते हो सकती हैं। आप जितना मेहनत डालेंगे आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं आपका मेंटल लेवल इस हफ्ते उनके साथ मैच नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए। हाई प्रीसेस जितना मेडिटेट करेंगे, जितना अपने गुरुओं से सलाह लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा इस हफ्ते। याद रखिए, जहाँ भी आप अटकेंगे अपने गुरु को ज़रूर कॉल कीजिए, जिनको आप गुरु समान मानते हैं वो आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जो है ज़रूर देंगे। तो इस हफ्ते आपको ध्यान देना है कि थोड़ा अपनी ज़बान पे आपको लगाम देना है, जहाँ झगड़े की सिचुएशन बन रही है वहाँ से पीछे हो जाना है, क्योंकि झगड़े आपके बेवजह इस हफ्ते हो सकते हैं। आपके लिए जो समय अच्छा रहेगा वो खासकर वीक का एंड का जो समय है 18 to 20 नवंबर वाला आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक 6 की, जिनका जन्मदिन 6 को होता है, 15 को होता है या 24 को होता है किसी भी महीने के लिए। मूलांक 6 वालों,
आपके लिए कार्ड आया किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कहता है कि इस हफ्ते आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आप जो काम करेंगे उसमें आपकी शिद्दत रहेगी, उसमें आपका जुनून रहेगा, तो ये हफ्ता आपके अकॉर्डिंग जाएगा, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपको जो खासकर जो मेल हैं आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो आपको अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, अप्रिसिएशन मिलती हुई दिख रही है, आपको लोग साथ देंगे। अगर हो सकता है कि घर परिवार में कोई दिक्कत आ रही थी, तो इस हफ्ते आपके अपने आपका साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं और आपका यह हफ्ता अच्छा जाएगा। खासकर आपके लिए हफ्ते का जो सबसे अच्छा समय रहने वाला है वो 18 नवंबर के पास का रहने वाला है। अब बात करते हैं मूलांक 7 की, जिनका जन्मदिन 7 को 16 को होता है या 25 को होता है किसी भी महीने की, आपके लिए हफ्ता कैसा रहेगा। स्टार कार्ड आया है तो ये हफ्ता आपको बहुत अटेंशन मिलेगी, लोग आपको देखेंगे, लोग आपके काम को पहचानेंगे, मीडिया अटेंशन आपको इस हफ्ते मिल सकती है। अगर आपके काम कहीं मीडिया से रिलेटेड है बहुत अच्छा जाएगा, सितारे आपका साथ देंगे, लक आपका साथ देगा, ये हफ्ता आपके काफ़ी काम बनेंगे, आप अच्छे रीजंस के लिए लोगों के काम लोगों की नज़रों में आएंगे, और इस हफ्ते खासकर अगर आप 2 मिनट भी भगवान को याद करते हैं तो आपके काम और अच्छे से बनेंगे, और कोई भी काम बड़ा काम इस हफ्ते करते हैं तो दही चीनी खा के ज़रूर करिएगा, आपका काम और ज़्यादा अच्छे से होगा, कई बड़े काम आपके इस हफ्ते होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई लग्जरी आइटम ऐड करना चाहते हैं, ये हफ्ता आपके लिए शानदार रहने वाला है। मूलांक 7 वालों, लकी डेट आपके लिए रहने वाली 15 नवंबर। अब बात करते हैं मूलांक 8 की, जिनका जन्मदिन 8 को 17th को या 26th को होता है किसी भी महीने के लिए, आपके लिए हफ्ता क्या लेके आया है। आपके लिए भी एम्प्रेस कार्ड आया जो कहता है ये हफ्ते लग्जरी आपके साथ ऐड हो सकती है, आपको मेहनत के रिवॉर्ड्स मिलते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, आपको लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही हैं, लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपके काम पूरे होते हुए दिख रहे हैं, आपकी मेहनत जो है वो रंग लाती हुई दिख रही है, और जो आप बहुत देर से जिन काम को करने में लगे हुए थे आपके इस हफ्ते पूरे होते हुए दिख रहे हैं। आपको आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी सपोर्ट देंगे, अच्छा जाएगा ये हफ़्ता, आपकी हेल्थ भी इस हफ्ते काफ़ी अच्छी जाने वाली है, और ख़ासकर जो लोग कंसीव करना चाहते थे उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, मदरहुड के लिए बहुत अच्छा टाइम है, शादी की बातचीत पक्की होने के लिए वेट कर रहे थे, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मूलांक 8 वालों, आपके लिए समय काफ़ी अच्छी खबर लेके आ रहा है, ये हफ्ता काफ़ी शानदार दिख रहा है, लकी डेट आपके लिए रहने वाली है मूलांक 8 वालों 17th नवंबर। अब बात करते हैं आखिरी मूलांक की, मूलांक 9 की, जिनका जन्मदिन 9/18/27 को होता है किसी भी महीने की, आपके लिए ये हफ्ता क्या लेके आ रहा है। मूलांक 9 वालों, थोड़ा इस हफ्ते काम का प्रेशर ज़्यादा पड़ सकता है, 10 of Wands कार्ड आया है जो कहता है कि काफ़ी प्रेशर आप पे बढ़ जाएगा, काफ़ी चीज़ें आपके ऊपर आ जाएंगी, बोझ आपके ऊपर आ जाएगा और आपको समझ नहीं लगेगा कि कैसे इस बोझ को मैं बांटूं, तो आपको कोशिश करना अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करें, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लेंगे, होम मेकर हैं तो आपके घर में जो जो लोग हैं उनको काम दीजिए, क्योंकि नहीं तो आप पे काम का बोझ इतना बढ़ जाएगा जिससे आपकी हेल्थ भी इस हफ्ते ख़राब हो सकती है। जितना काम कर सकते हैं उतना ही कीजिए, जहाँ ना कहने की ज़रूरत है वहाँ ना कीजिए, क्योंकि आप पे बोझ काम का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर आपकी हेल्थ पे उसका इफेक्ट आएगा, एंग्जाइटी लेवल इस हफ्ते यानी कि टेंशन बढ़ सकती हैं, इसलिए शेयर करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लकी डेट रहने वाली है आपके लिए 15 नवंबर। ये था मूलांक 1 से 9 का, कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता 14 से 20 नवंबर तक का। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।